सेकरीगंज थाना क्षेत्र के असोजी बाजार में 17 जुलाई को अष्टभुजा दुबे उर्फ बंटी पुत्र राजन दुबे को गोली मारकर मोटरसाइकिल लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिसमें एसपी साउथ और सीओ खजनी के निर्देशन में सेकरीगंज पुलिस ने एक आरोपी अतुल पांडे उर्फ गिरीश चंद्र पांडे पुत्र भानु प्रताप पांडे को गिरफ्त में लिया है, जबकि उसका सहयोगी देवराज यादव पुत्र दयाराम यादव फरार हो गया है। इसके पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। घटना का खुलासा करते हुए सीओ खजनी रचना मिश्रा ने बताया कि अभियुक्त का अष्टभुजा दुबे से विवाद था, जिस पर अष्टभुजा दुबे ने उसे मां की गाली दे दी थी। यही उसे नागावार लगी और उसने उससे बदला लेने के लिए गोली चला दी। गोली उसके पैर में लगी। घटना के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ खजनी रचना मिश्रा ने बताया। सत्रह जुलाई को सीकरीगंज थाना के असौजी बाजार में बंटी दुबे नाम के एक लड़के को अतुल पांडे और देवराज यादव नाम के दो लड़कों ने गोली मारी शाम के वक्त और उसकी मोटरसाइकिल लूट के ये लोग फरार हो गए। हमारे सीकरीगंज एसओ साहब और उनकी टीम ने अपने इफेक्टिव कार्रवाई के बूते पे 24 घंटे के अंदर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया और लूटी गई उसकी मोटरसाइकिल बंटी दुबे की बरामद कर ली। एक और है जो कि हम लोग लगे हुए हैं, ये लोग खुद भी बहुत इफेक्टिवली लगे हैं, जल्दी ही वो भी मिल जाएगा। दूसरा अभियुक्त देवराज यादव, इनके द्वारा ये बताया गया अतुल के द्वारा कि 2 साल पहले उस लड़के ने बंटी दुबे ने इनको माँ की गाली दी थी और जो इनको लगा कि ये इनकी काली माता को उन्होंने गाली दे दी, उसी क्रम में इन्होंने अपना जनेऊ तोड़ के ये वचन लिया था कि उसको मैं मारूंगा और तब से ये लगे हुए थे उसको, वो खोज नहीं पा रहे थे कि अकेले वो मिले। असौजी बाजार में दिनांक 17 तारीख को ऐसा हुआ, इनको पता चला कि वो अकेले है, खेतों से आ रहा है, फिर इन्होंने अपने उस फ्रेंड से बात करके ये लगे और उन्होंने अपनी कसम पूरी करने के लिए उसको पैर में गोली मारी। तो ये नए उम्र के हैं और कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, फिर भी इनका जो दुस्साहस है ये पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा, जिसको कि हमारे एसओ साहब ने बहुत प्रॉपरली अटेंड करके और इसको इनको पकड़ा। मोर और लेस बात तो ये थी, बीच में कुछ ऐसी बात हुई लेकिन मूल जो कारण था वो यही था कि माँ की गाली क्यों देनी, यही मूल कारण था। और तो बातें बहुत ऐसी कुछ इफेक्टिव नहीं थी कि जिनको माना जाएगी, उसने ये खुद कहेगा, आप इनसे बात करेंगे ये बताएंगे। हमारे बीच में कोई बोलेगा तो उसकी माँ, यही हमारे लिए सर यही हो गया था। और कोई बात नहीं? नहीं सर, और कोई बात नहीं, यही बात था सर, वही बदले की भावना बस, और कोई बात नहीं। तो पैर में गोली मार के चेतावनी दे रहे? नहीं सर, उसको हम मारने के लिए ना, हम उसको बस डरवाने के लिए बस फायर झोंक के पैर लग गया।